ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस एक्सेल 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे सेल्स जोड़ना, रोज जोड़ना, कॉलम्स जोड़ना और वर्कशीट्स जोड़ना। आइए अब हम यहाँ पर सीखते हैं सेल्स, रोज, कॉलम्स आदि ऐड करना। अब अगर आपको ये जो छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, रोज़ और कॉलम्स के मिलने से जो बनता है, ये कहलाता है सेल। अब अगर आपको कोई सेल जोड़ना है यहाँ पर, तो उसके लिए आप मेन्यू बार में ऑप्शन है इंसर्ट, उस पर जाकर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सेल्स, रोज़, कॉलम्स, वर्कशीट, ये सारे ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं। और अगर भी चाहिए आपको पूरा खोलना है, तो ये जो नीचे की तरफ जो एरोज़ हैं, इस पर आप पॉइंटर थोड़ी देर रखेंगे तो ये पूरे खुल जाएंगे। अब यहाँ ये सेल्स पर जाकर के आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन मिलता है शिफ्ट सेल्स राइट, मतलब जो भी सेल आपकी सिलेक्टेड है, अगर यहाँ पर शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे, आप इसको चुनेंगे, तो ये जो भी आपकी सेल्स हैं वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ऊपर इस तरह से हमारे ये आपको नज़र आ रहा है काम किया हुआ। अब आप शिफ्ट सेल्स राइट पर आपने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये देखिए सारी जो सेल्स हैं वो राइट की तरफ एक एक खसक गई। उसी तरह से अगर आपको नीचे की तरफ सेल्स बढ़ानी है, पहले इंसर्ट पे गए, हमने सेल्स पर क्लिक किया, अब ये दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन, जो भी हमारी सिलेक्टेड सेल है उससे नीचे की तरफ एक एक सेल जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। इस पर हमने ओके किया, तो ये देखिए ये यहाँ पर एक एक सेल नीचे खसक गई। अब इसी में आपको रो और कॉलम जोड़ने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको कोई भी रो जोड़नी है, तो आप यहाँ पर एंटायर रो पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, और जैसे ही आप ओके करेंगे, तो जो भी रो सिलेक्टेड है उससे एक रो बढ़ जाएगी और इसमें जुड़ जाएगी। ओके करते से ये देखिए एक पूरी की पूरी रो हमको एक्स्ट्रा मिल गई। इसी को आप सीधे इंसर्ट में जाकर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे, तो सेल्स के बाद आपको रोज़ का ऑप्शन मिलता है। सीधे यहाँ से आपने क्लिक किया तो भी ये हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं, अगर हमको कॉलम्स का करना है, तो जैसे ही हम कॉलम्स पर जाकर क्लिक करेंगे, तो जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उसके साथ आपको पूरा की पूरा एक कॉलम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा की पूरा एक नया कॉलम यहाँ पर जुड़ गया है, बाकी सारे कॉलम्स आगे खिसक गए। इस तरह से कोई भी रो, सेल या कॉलम को आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको वर्कशीट ऐड करनी है, ये इंसर्ट में आपको सेल्स, रोज और कॉलम्स के बाद वर्कशीट का ऑप्शन मिलता है। तीन शीट्स यहाँ नीचे आपके पास पहले से हैं। अगर आपको और वर्कशीट ऐड करना है, तो ये वर्कशीट पर जाकर के आप क्लिक कर दें, और ये देखिए शीट 4 एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ गई। अब यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 चल रही है, और ये शीट 4 पहले आगे आ गई है। अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर इसको ड्रैग करके और यहाँ ला करके छोड़ देंगे, तो ये देखिए 1, 2, 3 के बाद शीट 4 अब यहाँ पर आ गई। एमएस एक्सेल 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा सेल्स जोड़ना, रोज जोड़ना, कॉलम्स जोड़ना और वर्कशीट्स जोड़ना।